स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल गुल्लू सीपर ब्लॉग में। दोस्तों मैं अभी खेसारी के घर पे पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हैं पीछे खेसारी जी का जो मकान बन रहा है उसके पीछे आप देख सकते हैं जो ईंट का फैक्ट्री मतलब जो मशीन आया है और वो मशीन भी आपको दिखाएंगे। आप हमें ब्लॉग के साथ बने रहे और आपको आगे तक ले देख कर दिखाएंगे। जो खेसारी का न्यू स्कॉर्पियो लिया है वो भी दिखाएंगे और ट्रैक्टर लिया है वो भी दिखाएंगे। आप हमारे वीडियो के साथ एंड तक बने और पहले ही बताते थे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपको आगे ब्लॉग में। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो ईंट का मशीन है ये आपको दिखा रहा हूँ और खेसारी जी का जो न्यू स्कॉर्पियो लिया गया, देखिए कृति लिखा हुआ है। आपको पास में चल के सब दिखाता हूँ। अब ये देख देखिए किस तरह कितना भयंकर काम हो रहा, बहुत ही सुंदर दोस्तों, करोड़ों के लागत में बन रहे। तो आप देख ही सकते हैं ये मशीन है जो खेसारी लाल का ईंट का उपयोग होगा, इस मशीन के द्वारा बनाया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं इसी मशीन के द्वारा ईंट का दोस्तों बनाया जा रहा है और इसको दिखाया जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह दोस्तों बहुत ही प्यारा घर बन रहा है, काफ़ी करोड़ों की लागत में बन रहा है। तो दोस्तों तो मतलब क्या बोलें, कम से कम 8 या 10 करोड़ की लागत में सुनने में आ रहा, लेकिन हमको जाता है 8 या 10 प्लस ही होगा। दोस्तों यही स्कॉर्पियो जो रियाए थे पूजा किए थे उनके पिताजी और खेसारी लाल ने जो स्कॉर्पियो निकाला था, न्यू वाला स्कॉर्पियो है, आप देख सकते हैं। ये रहा दोस्तों स्कॉर्पियो जो अपने माता पिता को चलने के लिए, अपने पिता और चाचा जी को चलने के लिए ये गाड़ी निकाले थे खेसारी लाल यादव स्कॉर्पियो, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों बहुत दूर तक बन रहा है, आपको इतना ही अभी देखिए। ये ट्रैक्टर जो नया लिया गया था ये रहा, ये भी इसका पार्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम आपको ऊपर तक चलेंगे और दिखाएंगे ये पूरा रिव्यू, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। देखिए दोस्तों ये कुछ ईंट का सामग्री साँचा पड़ा हुआ है, इसी से ईंट का उपयोग होगा और यहाँ कंस्ट्रक्शन का टोटल सामान रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये पूरा। दोस्तों अभी हम आपको ऊपर चलकर दिखाएंगे, एक मेरा भाई है बंटी, वो भी आएगा और आपको वो साथ में जाएंगे, लोगों को दिखाएंगे। खेसारी लाल का आपको बुलेट दिखाते जिस बुलेट से वो अपने गाँव में घूमते हैं। ये देखिए दोस्तों यही बुलेट है खेसारी लाल का, देख सकते हैं दोस्तों। देखिए कीर्ति लिखा हुआ है। दोस्तों आज आपको पूरा इनका न्यू वाले घर का दिखाएंगे। ये रहा दोस्तों, इसी में 13 बर्फ का जो कृष्ण विद्यार्थी पवन पांडे थे इसी में दिखाए थे लोग, जो गाना ट्रेंडिंग किया था बर्फ उसका, आपको ऊपर तक चल कर दिखाएंगे लोग। दोस्तों आप देख सकते हैं बुलेट है खेसारी लाल यादव का जो कि ये लिफ्ट का है, जिस लिफ्ट से आदमी ऊपर जाएगा नीचे आएगा। और ये देखिए रूम दोस्तों, अभी आपको ऊपर चल के दिखाते हैं इनका 2 मंजिला मकान कैसा बन रहा है। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और देखते रहें और सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, आपके सपोर्ट का कामना करता हूँ। और यहाँ पे मिस्त्री भी हैं लो। ये देखिए दोस्तों पूरा आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, दूर दूर तक गाँव का रिव्यू। यहाँ पे अक्सर खेसारी जी नजर आते हैं, आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर का देखिए। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे माता जी का मंदिर है धरती मैया का, जो कि खेसारी लाल का यहाँ से मन्नत पूरे होते हैं, हम दोस्तों देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं साथ में सहयोगी भाई बंटी जी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। दोस्तों यहां से लिफ्ट का निर्माण होगा,
और इसके ऊपर तक दोस्तों ऊपर जाने का भी रास्ता है नहीं, क्योंकि ऊपर सब बांस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं एक और बात आपसे बता दूं कि ये जो घर बन रहा है ना, ये महल मान लीजिए, ये टोटल 22 कट्ठा के आसपास में बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, 22 कट्ठा के आसपास, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे तो 10 करोड़ के लागत में लोग बता रहे हैं, लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है ना कि 10 करोड़ से ज़्यादा ही इसका बजट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 10 करोड़ से ज़्यादा बजट जाएगा, जो कि बहुत बिहार में फेमस घर बनने वाला है, और आपका एक पीस बिहार में दिखेगा। ये घर काफ़ी ऊपर तक है दोस्तों, अभी ऊपर जाना उचित नहीं है, आप देख सकते हैं अभी सब काम चल रहा है, और उनके पिताजी उधर बैठे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उनसे बात हुआ है, उनके परमिशन से ही हम लोग बना रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर भाई आते हैं पर परेशान करते हैं, वैसे हम लोग दोस्तों किसी को परेशान नहीं करते हैं, किसी की मर्ज़ी से ही कोई काम करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं खेसारी जी के घर पूरा। काफी दूर तक काम हो रहा है, यहाँ पे टंकी लगी है पानी का, यहाँ पे मिट्टी गिरी हुई है दोस्तों, यहाँ पे मिट्टी गिरी हुई है, और काफी आपको दिखा रहा हूँ बैक कैमरे से, देखिए दोस्तों ये कंटिन्यू मिट्टी गिर रहा है, और काफ़ी बेहतरीन काम हो रहा है दोस्तों, बहुत ही तेज़ी से काम हो रहा है। हम लोग अभी तक आए हैं, बहुत सारे ट्रैक्टर आए मिट्टी गिराए, और ये पर्सनल घर पर्सनल ट्रैक्टर से इनका मिट्टी आ रहा है, जो कि अपने खेत से मिट्टी आ रहा है, कुछ बाहरी मिट्टी आ रहा है, उनके पिताजी वहाँ पे ये कर रही हैं, देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप घर का आपको पूरा रिव्यू दिखा रहे हैं दोस्तों, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ट्रैक्टर रूम का दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं सेकंड फ्लोर पे आ गया हूँ, और कोशिश किया हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं जो कि पूरा बेहतरीन तरह से काम हो रहा है, और यहाँ से दोस्तों सेकेंड फ्लोर से काम देखिए, और ये देखिए पूरा ये पूरा आपको देख रहे, बहुत बेहतरीन काम, जोरों शोरों से काम चल रहा है, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही छपरा जिला में एक नंबर स्थान इस घर को दिया जाएगा, और बहुत स्पीड से दोस्तों ये रहा पूरा, अंदर तक हम लोग आए हुए लोग, आप देख सकिए दोस्तों, बस आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, हम लोग जितना कोशिश होगा उतना दिखाएंगे, और ये लिफ्ट का है ऊपर तक है, ये रहा तो अंत तक बने रहें, चलिए हम आपको लेके चलते हैं थर्ड फ्लोर, ये रहा दोस्तों बस लास्ट, अभी थर्ड फ्लोर बना हुआ है, उसके ऊपर भी जाएंगे लोग, लास्ट दिखा देंगे लोग आपको, इसके ऊपर से आपको रिव्यू दिखाएंगे लोग कैसे क्या होता है, बहुत ही एक बेहतरीन। यहाँ से दोस्तों पूरा रसूलपुर चैन पर बहुत ही प्यारा, बहुत दूर दूर तक गांव दिख रहा है दोस्तों, थर्ड फ्लोर से अभी और भी ऊपर जाएगा घर, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों बन रहा है, ये देखिए लिफ्ट का। मुझे लगता है दोस्तों जहाँ तक भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन घर, सबसे प्यारा घर ये बनने वाला है खेसारी लाल यादव का। दोस्तों गर्मी बहुत है, बहुत धूप है, और हम लोग सुबह सुबह निकले लोग, अभी पहुँचे हैं लोग, अब यहाँ के रिव्यू देखिए, ये रहा ताड़ का गाछ, और खेसारी लाल का उस साइड में पुराना वाला घर वो भी आपको दिखाएंगे, और दोस्तों आप किसके ऊपर से रिव्यू देख सकते हैं कितना बेहतरीन। दोस्तों हम लोग थर्ड फ्लोर पे हैं लोग, ये देखिए दोस्तों ऊपर से उनका बैक साइड का नज़ारा दिखा रहे हैं लोग,
दोस्तों आप हमारे वीडियो के साथ बने रहे, अपना सपोर्ट जता ही रहे। घर का निर्माण हो रहा है, ये रहा दोस्तों, आप देख सकिए। देखिए दोस्तों, ये रहा खेसारी जी का पीछे का बैक साइड, वहाँ रहा जो ईंट का मशीन है वो रहा, और खेसारी जी का न्यू स्कॉर्पियो, न्यू ट्रैक्टर, न्यू मशीन, और ये बैक साइड का पूरा आप देख सकते हैं नज़ारा। देख सकते हैं दोस्तों कितना बेहतरीन लग रहा है। ये रहा दोस्तों जर्ती मैया, जय हो जर्ती मैया, जो कि खेसारी लाल के एक माता का कृपा सभी को बने रहे दोस्तों। आप ये देखिए, उन्होंने बोला था के दोस्तों, दोस्तों अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, लोग उनके पिताजी से भी कुछ बात करेंगे लोग, और कुछ अगर उनका टाइम मिला उनको सब सहयोग करेंगे, तो पूछताछ करेंगे। ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं है दोस्तों, वो भी गार्जियन है, बहुत सारे मीडिया आके उनको परेशान करते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग इसमें से नहीं है, उनको दिल से गार्जियन मानते हैं, उनको कभी भी हम लोग ठेस नहीं पहुँचाएंगे, उनको सादर प्रणाम करते हैं दोस्तों। बहुत सारे मीडिया भाई लोग ऐसा ना करें, स्टार उनके बेटा है, उनके गार्जियन को परेशान करते हैं लोग दोस्तों। ये रहा दोस्तों, अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, हम लोग ये रहा दोस्तों, हम लोग नीचे बस आ ही गए हैं। ये रहा एक बार और दोस्तों, आप लोग देख लीजिए पूरा फ्रंट साइड का, ये रखे सर जी के पिताजी वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों कितने जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, लोग बहुत ही बहुत प्यारा लगता है। ये रहा टोटल दोस्तों, उनके चाचा जी वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा दोस्तों। ये रहा देखिए सर, कीर्ति रथ लिखा हुआ है, आप हमारी यूट्यूब फैमिली जरूर सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। दोस्तों अभी देख लीजिए फ्रंट का नज़ारा आगे का, ये रहा दोस्तों ये देखिए दोस्तों पूरा। अभी हम खेसारी जी के पिताजी के साथ हैं, और चाचा के प्यार आशीर्वाद मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। चाचा कुछ हमारे चैनल के बारे में बोलते हैं। अरे भाई ये बाबू बड़ा प्यार से आसरा से आज बड़े इकर चैनल के सरप्राइज करो लोग, इनकी भाई दुनिया जवार में जाओ देखो, मन तहरा लोग बढ़ेब तो बाबू आगे बढ़ी लो, तहल के नाव ली लो, हम इे कह करके कहते कि भाई जा लो माई से आशीर्वाद ले लो, तहल के चैनल खूब जी। चाचा का आशीर्वाद मिल जाए बहुत,